फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं, जो काम के लिए हम इंदौर आए थे वो हमारा काम हो चुका है। हम शादी अटेंड करने आए थे, वो हमने अटेंड कर लिए, सारे फंक्शन अटेंड कर लिए, अब हम हमारे घर पे जा रहे हैं। ये देखिए, हार्दिक जी अभी बाइक चला रहे हैं और मेरी गुड़िया रानी बैठी हुई है। हाय बोलो बोलो, हम हमारे घर पे जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए अब हम इंदौर में थे, तो मिलते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स। और जो भी अभी हम जहाँ भी जिस गली से जाएंगे, थोड़ा थोड़ा एरिया आपको दिखाएंगे, है ना। ओके ये देखिए गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह से आना जाना स्टार्ट हो चुका है इंदौर सिटी में। आप कंटिन्यू बने रहना, मैं आपको सारी अपडेट देती रहूंगी। ये देखिए गाइस, अभी हम यहाँ पुल के पास खड़े हैं पेट्रोल पंप पर। अभी हार्दिक जी पेट्रोल भरवा रहे हैं। तनु, सुबह का टाइम है, आपको भूख लगी है बेटू? क्या खाना है, क्या खाना है? आलू चिप्स खाना है। अपन पोहे खा ले, आलू चिप्स में पेट नहीं भरता है। अरे प्लीज ना तनु, आलू बड़े चमोचा, आलू वाले। अरे देखो, इनको भूख लग रही है, मेरे बेटू को। तो अपन हम नाश्ते की दुकान पे चलेंगे। तनु गुड़िया गुड़िया गुड़िया, सुनना सुनना बेटू सुनना। अरे कहाँ जा रहा बच्चा, देख देख तनु तनु, ये देखो कैसी भाग रही है यार, सुनती नहीं है। बिट्टू मार खाएगा, ये देखो सुनती नहीं है जरासी भी। चलो गाइस मिलती हूँ। ये देखिए रास्ते कैसे है घुमावदार। सब आड़े तरह रास्ते रहते हैं यहाँ, और हम लोग बाइक से जा रहे हैं। आते टाइम मैंने इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि मैं बस से आई थी तनु को लेकर, और बैग थे मेरे हाथ में बहुत, तीन चार। ओ पपे मंकी, तनु सोई है यार, इतनी प्यारी वादियां लग रही है। तो मैं वही बोल रही थी, आज टाइम मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमें बाइक उस पर थी बस में, तनु के साथ में, और ये पापा के साथ में बाइक पे आए थे। लेकिन अभी पापा इंदौर में रुक चुके हैं कुछ दिन के लिए, तो मैं गुड़िया मेरी और हार्दिक जी हम लोग आ चुके हैं बाइक से, सामान पापा लेके आएंगे। चलिए गाइस बने रहना आप इस वीडियो में, आपको बताती रहूंगी मैं कंटिन्यू। हम जब आते हैं ना बाहर सिटी, कहीं भी अपना घर छोड़ के कोई फंक्शन अटेंड करने या कुछ भी प्रोग्राम के लिए, तो खुशी होती है। लेकिन उसके बाद जो चार पांच दिन बाद घर जाने की जो खुशी है, वो उसके बाप रे बाप, पूछो मत क्या खुशी होती है जाने की। कितना अच्छा लग रहा है यार, वाओ। यहाँ ना बहुत सारे बंदर रहेंगे। हाँ ये देखो बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, ये देखो तेजा बंदर बैठा हुआ है। तनु मंकी देखना है बिट्टू, तनु मंकी, हाँ देख दिखा, देख उसके बच्चे को लग जा रहा छोटा सा, देख केले खा रहा। देखिए गाइस, नर्मदा नदी आ गई है, दर्शन कर लीजिए आप सभी। अभी हम ओंकारेश्वर पहुंच चुके हैं। बिट्टू नदी आई है, दर्शन करना है बिट्टू, उठ जा सोना। अरे नदी आ गई, मम्मा आ गया। उस दिन हम बस में आए थे ना, तो क्या तनु क्या बोल रही थी, बोलती कि मम्मा नदी में पैसे नहीं डालना। तो मैंने बोला क्यों, बोलती मम्मा मुझे दे देना, मैं चिप्स खा लूंगी। तनु सोई है,
वीडियो बना रहे यहाँ तो सुबह सुबह कितने कपड़े धो रहे यहाँ, पानी गंदा करते हैं। हमें भूख लग गई है, अभी हम ओंकारेश्वर पहुंचे तो हमको खाना खाना था। ननू को भूख लग गई है, नाश्ता कर रहे हैं हम अभी। ननू आपको कुछ खाना है? ये देखिए आपके लिए खमन और पोहे लाए हैं पापा। और कुछ चाहिए? अच्छा चम्मच। बहुत भूख लगी है हमें। क्या खाना है? कचौरी। समोसा लाना है? कचौरी समोसा ला दो। तनु खमन खा ले जब तक के। आप सब खा सकते? अरे 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 अभी हमारा नाश्ता आ चुका है, हम जा रहे हैं घर, मतलब घर की ओर। क्या हुआ बिट्टू? ये देख सकते हैं गाइस आप सभी, क्या इधर रोड का काम हो रहा है। सभी पूरे रोड खुद रहे हैं यहाँ के, जो भी चट्टाने थी उस टाइप में सब टूट के रोड बन रहे हैं। देखिए जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे रोड बन जाए, फिर बाइक से आ जाना घर स्टार्ट हो जाएगा। बस यार दूर पड़ता है और टाइम भी बहुत ज्यादा खराब होता है। अभी रोड अच्छे बन जाएंगे, अभी तो रोड खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। चल रही है ये देखिए गाइस हमारे यहाँ का आसीगढ़ का किला हमारे ब्रह्मपुर के पास में है। ये बहुत ऊंचाई पे है, हमारे यहाँ का प्रसिद्ध और प्राचीन है। यहाँ ऊपर महादेव का मंदिर भी है। इसकी सीढ़ियाँ, इसमें सीढ़ियाँ बहुत बहुत ज्यादा लंबी है। कितना चढ़ाव कितना है? 3 किलोमीटर इसका चढ़ाव है और बहुत ज्यादा लंबी सीढ़ियाँ है। दरवाजे तो इसके मुत्ते मोटे मोटे है ना, हम जब गए थे ना घूमने तो ऊपर से कार इतनी दिखती है छोटी सी, ऐसा तो भाई चीटिया टाइप अपन दिखते हैं उसमें। देखिए कितना ऊपर है, देखिए ज्यादा जूम नहीं कर सकती, फट जाएंगे स्क्रीन। ये देखिए आप प्लीज हमारे जल्द से 100 के करिए तो हम आपको इसके अंदर विजिट करवाएंगे, मतलब हम जाएंगे तो आप घुमाएंगे उसमें, आप इंजॉय कर सकते हो। हाँ अशोक थामा भी वो, मतलब बोलते हैं प्राचीन में शुरू से ही अब बोला जाता है कि वो ऊपर आते हैं और महादेव के मंदिर में रोज एक ताजा फूल मिलता है, वो चढ़ा के जाते हैं। हाँ शिवलिंग के भी दर्शन करवाएंगे हम आपको कि वो अश्वत्थामा आते हैं तो किस शिवलिंग पे फूल चढ़ाते हैं, तो वो हमेशा ताजा मिलता है। अब बात कहानी है कि रियल स्टोरी है वो तो हमको भी नहीं पता, किसी ने देखा नहीं है उनको, लेकिन बस बात है अब सही है होगी जब भी लोग बोलते हैं, है ना। तो हाँ डेली फूल मिलता है और क्या और कुछ बोल रही थी। हाँ उनके जो माथे पे से उन्होंने मनी निकाल के दिया था ना, वो बोलते हैं कि उस पर अभी भी पस है, तो वो किसी ने देखा था उसने ना, एक बुजुर्ग इंसान ने उसको देखा था। बहुत पुरानी बात है, हमको भी हमारी दादी नानी ऐसे बताया हुआ है ना, तो अभी पूरी स्टोरी में हमको पता नहीं है। तानु अपन कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे? घर कहाँ है आपका? दुलानपुर में। चलो गाइस
अभी बिल्कुल बिल्कुल करवाना, बिल्कुल करवाना आप लोग सभी, हम लोग सब सब आपको पूरा घुमा के आएंगे अंदर से वहाँ पूरा। बहुत सारे मतलब बहुत चीजें हैं वहाँ देखने लायक, लेकिन यहाँ इंसान बहुत थक जाता है इतना, मतलब ऐसे पैर दुखते ना जिसकी हद नहीं है। हम लोग लगाए थे लास्ट टाइम, बहुत हालत खराब हुई थी भैया, बहुत ज्यादा। जो सुबह से गए थे वो ही शाम में आए थे, हर कम टच हुए थे। आप जल्दी से सब्सक्राइब कंप्लीट कराइए, हम आपको जरूर घुमाएंगे, है ना। चलो बाय।